नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्किपेबल एड्स से आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी काफ़ी सारे मेरे पास मेल आ रहे हैं, कल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे मेरे पास मेल आ चुके हैं कि सर हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल था और एड्स भी आ रही थी, लेकिन नॉन स्किपेबल एड्स चालू करने के बाद हमारे चैनल पर कोई भी ऐड नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कुछ मैसेज है वो मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बात करूँगा। तो मेरे पास फैंसी टेलर करके एक चैनल है इनका, और इनका मेरे पास मैसेज आया था कि सर हम अपने चैनल पर नॉन स्केलेबल एड्स को चालू किया है और चालू करने के पर एडसेंस पर इनकम शो नहीं हो रही है, दो दिन से क्या करें बताइए। आप देख सकते हो मेरे पास मैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो जी आई है, और दूसरी है कि मेरे पास एक मैसेज और आया है, वो है आपका सायरी विद पिया करके, एडसेंस ऐप के अकाउंट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तीन दिन से ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला था कि आप एक बार, हो सकता है कि आप अपने ब्राउज़र में जाके, सिस्टम पर जाके आप उस पर लॉग इन करके देखिए गूगल एडसेंस को खोल के, तो वहाँ पर आया कि वहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है, वेबसाइट पर भी शो नहीं हो रहा है, बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये नॉन स्केलेबल एड्स से तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि आप देख सकते हो मैंने जो अपनी नॉन स्केलेबल एड्स थी वो चालू कराई थी 10 जनवरी को मैंने गूगल को मेल डाला था और अपनी जो नॉन स्केलेबल एड है वो चालू कराई थी। हाल ही में लास्ट 2 मंथ भी अभी नहीं हुए हैं मेरे चैनल को बने हुए, लगभग 1 साल हो जाएंगे इसी महीने 16 तारीख को, और जो मैंने अपनी नॉन स्केलेबल एड्स हैं वो 1 साल मतलब 10 महीने के बाद अपने चैनल पर चालू करवाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मेरे पास मैसेज है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर उनका मेरे पास मैसेज आया था कि सर कि आपके जो चैनल है उस पर 10 से 15 से 20 सेकंड की नॉन स्केलेबल एड आपके चैनल पर चालू कर दी जाएगी, और ये हो गया था। उसके बाद जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो एनिमल रहा है, एड्स भी आती हैं, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाल ही में हमारे सरजीत भाई ने भी एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने बताया था कि नॉन स्केलेबल एड्स को कैसे चालू किया जाता है, और उसको करने के बाद काफ़ी सारे लोगों को गूगल एडसेंस पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ना ही कुछ मतलब एड्स शो नहीं हो रही हैं या डेटा शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता दूँ कि नॉन स्केलेबल एड से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन स्केलेबल एड एक आपके, जैसे आप बैनर एड लगाते हैं उसमें स्केलेबल एड लगाते हैं, उसी तरह एक नॉन स्केलेबल एड होती है, और काफ़ी सारे जो यूट्यूबर हैं वो नॉन स्केलेबल एड्स को नहीं लगवाते अपनी वीडियोस पर। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि जो व्यूअर उनके जो देख रहा है उनकी वीडियो को, उसके पास ये पूरी पावर हो कि वो उस वीडियो पर आने वाली एड्स को स्किप कर सके, अगर वो देखना चाहता है तभी देखे। और नॉन स्केलेबल एड्स में ये होता है कि आपको वो पूरी की पूरी एड देखनी ही देखनी है। हालांकि नॉन स्केलेबल एड्स से आपको जो अर्निंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं CTR भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो नॉन स्केलेबल एड्स आप अगर चालू कराते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर फिर भी आपको लगता है कि नॉन स्केलेबल एड्स की वजह से आपके गूगल एडसेंस में कोई भी अर्निंग शो नहीं कर रहा है या एड्स नहीं आ रही हैं, तो आप अपने चैनल के डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके आप नॉन स्केलेबल एड्स को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन 100% मैं आपको बता दूं कि नॉन स्केलेबल एड्स की वजह से आपके चैनल पर एड्स शो नहीं हो रही है, जो बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने भी अपने चैनल पर 10 जनवरी को अपने चैनल पर नॉन स्केलेबल एड्स को मैंने एनेबल कराया था, और उसके बाद ही मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है, और साथ ही मेरे जो चैनल पर एड्स हैं वो भी आती हैं और नॉन स्केलेबल एड्स भी आती हैं, उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि कितने परसेंट नॉन स्केलेबल एड्स आती हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नॉन स्केलेबल एड्स की वजह से, हो सकता है गूगल के एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ टेक्निकल इशू हो, इस वजह से कि जब उन्होंने आपके नॉन स्केलेबल एड्स को चालू करा हो, आपने उसको एनेबल करा हो, क्योंकि नॉन स्केलेबल एड्स गूगल चालू कर देता है। ये आपकी आप पर डिपेंड करता है कि जब आप मोनेटाइज करते हैं किसी वीडियो को तो आप उस वाली एड्स को शो कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। अगर आप नहीं कराना चाहते तो उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, जो आपके हाथ में होता है। लेकिन जब आप एनेबल करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो नॉन स्केलेबल एड्स है वो आपकी वीडियोज़ पर शो होने लगती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो अर्निंग है वो आपकी थोड़ी सी अर्निंग बढ़ भी जाती है। तो सरबजीत भाई ने हाल ही में एक वीडियो भी डाली जिसमें उन्होंने अपने चैनल को क्विट करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ और कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। तो ये किसी को ब्लेम करना, किसी को ये कहना कि सर आपकी वजह से ही हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन स्केलेबल एड मैंने भी जब अभी एनेबल कराई थी तो मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी,
और देखने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे करानी चाहिए, तो आप किसी को भी ब्लेम ना करें, अगर आपको लगता है फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल को मेल कर सकते हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, हम लोग भी मेल करने की कोशिश करेंगे, गूगल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक ट्राई कर सकते हैं कि अपनी जो चैनल है उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके और वहाँ पर अपनी जो नॉन स्किपेबल एड हर वीडियो से आपको हटा देनी है, और हटाने के बाद आपको फिर थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि क्या आपकी एड्स आ रही हैं नहीं आ रही। अगर आपकी एड्स आ रही हैं तो अभी आपको नॉन स्किपेबल एड्स को डिसेबल भी रहने देना है। अगर आपको फिर भी एड्स नहीं आती हैं तो ये गूगल एडसेंस की कुछ प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि एक नहीं है, कोई एक आप पर्सनली नहीं हो, काफ़ी सारे लोगों की आ रही है, तो वो जब प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी लोगों की सेम होती है तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की नहीं होती है, किसी और की होती है। तो गूगल एडसेंस भी इस चीज़ को समझेगा और जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आएगा। बीच में हाल ही में एक प्रॉब्लम और आई थी जिसमें आपको कुछ भी अर्निंग शो नहीं कर रही थी, मतलब गूगल की अर्निंग शो नहीं कर रही थी, व्यूज शो नहीं कर रहे थे, 4-5 दिन हो गए थे, तो कुछ बग्स वगैरह बताए गए थे और वो सॉल्यूशन भी आ गया था, क्योंकि वो सभी के साथ हो रहा था, वो एक के साथ नहीं हो रहा था, वो सभी के साथ हो रहा था। अगर कुछ चीज़ सभी के साथ हो रही है तो आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए आपकी जो जी प्रॉब्लम है 100% सॉल्यूशन हो जाएगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे थे, कल से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और मैं उनका रिप्लाई भी दे रहा था। मुझे लगा कि कल ही ये वीडियो बना देनी चाहिए थी लेकिन मैं बना नहीं पाया किसी वजह से, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज सुबह ही मैंने सरजीत भाई की वीडियो देखी तो उसमें मुझे थोड़ा सा और लगा, हमारे धर्मेंद्र सर हैं माई स्मार्ट सपोर्ट के, उन्होंने भी ये डाला है, तो मुझे लगा कि यार नहीं ये बिल्कुल सच्चाई है, उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है और धर्मेंद्र जी ने भी बताया है कि बिल्कुल सही है, तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए और 100% इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा, और साथ ही अगर मुझे लगेगा तो आपके कमेंट भी मैं वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो बस यही थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसी तरह की और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, यूट्यूब से रिलेटेड और साथ ही टैक्स से रिलेटेड इस चैनल पर आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो बस यही थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।